नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में भर्तियां की प्रक्रिया की जा रही है वह सविनियम विरोध है। छात्र संगठन ने कहा है कि यूजीसी के नियम के अनुसार 2019 में जो रोस्टर नियम के अनुसार भर्तियां की जानी थी, अगर में भर्तियां 6 महीने के बाद होती है तो विज्ञापन जारी करके नए रोस्टर के हिसाब से विश्वविद्यालय में भर्तियां की जानी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय में पुराने रोस्टर के हिसाब से नियुक्तियां की जा रही हैं, जो पूरी तरीके से नियम विरोध है। वही छात्र संगठन ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि अगर 12 तारीख को होने वाली नियुक्तियों को विश्वविद्यालय प्रबंधन नहीं करता है तो एनएसयूआई छात्र संगठन विश्वविद्यालय में उग्र प्रदर्शन करेगा। वही संबंध में कुलसचिव ब्रजेश सिंह ने कहा कि नियुक्तियों को लेकर एनएसयूआई के द्वारा कुछ बिंदु बताए गए हैं जिनकी नियम के तहत जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी विश्वविद्यालय में नियुक्तियां होंगी वे सभी शासन के नियमानुसार की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी सर, एक ज्ञापन एनएसयूआई के द्वारा दिया गया है, क्या मांगे हैं और किस प्रकार से? आप ज्ञापन है, हम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है और उस संदर्भ में कुछ पॉइंट रेज किए हैं और जो हम लोग इसकी एक विधिवत इसको हम परीक्षण करेंगे और यदि उचित होगा तो हम अनुरूप ही निर्णय लेंगे। सर, भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवालिया निशान उठाए हैं एनएसयूआई ने, क्या पूरा भर्ती हुई है? नहीं, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है और रोस्टर का अक्षरशः पालन निश्चित है होना है और रोस्टर भी विश्वविद्यालय स्तर पर बनाया गया, फिर उसका प्रतिपरीक्षण शासन स्तर पर भी कराया गया है और इसी अनुरूप सबसे पहले बैकलॉग के पदों की भर्ती विश्वविद्यालय करने जा रहा है और उसी भर्ती के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट रेज किए हैं और जो उनके प्रतिपरीक्षण के बाद हम उनकी कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा 2019 में शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया जिस पे हमने कई आपत्ति उठाई। लगातार हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को चताया जा रहा था कि इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया यूजीसी के और आरक्षण प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस विकलांग महिला आरक्षण लागू नहीं है, इसे रद्द किया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही के दिनों में गुपचुप तरीके से अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लोगों को नोटिस भेजा गया कि 12 तारीख से इंटरव्यू है, आप आके इंटरव्यू दें और नियुक्ति ले जाएं। और ये पूरी प्रक्रिया ओपन तरीके से होना था, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे इसकी जानकारी प्रदर्शित होनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने इसे बिल्कुल गुपचुप तरीके से किया, अवैध तरीके से करते हुए ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ही नियम विरुद्ध थी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उसके विरोध में हमने आज विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया, जहां पर कुलपति जी को जैसे ही इसकी भनक लगी वह गाड़ी उठाकर भाग गए और कुलसचिव जी उपस्थित हुए। हमने उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे और भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेंगे। ये जो भर्ती प्रक्रिया 2019 की है, ये पुनः मतलब फिर से यही भर्ती जो है वो 2022 में की जा रही है? जी, वही भर्ती है कि इसमें नियम था कि 6 महीने में अगर रोस्टर जारी हो जाता है विज्ञापन यूजीसी का तो उसे रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन 3 साल होने के बाद भी आज तक इसमें किसी भी तरह का सुधार नहीं किया गया, वही रोस्टर पे भर्ती प्रक्रिया जारी थी, उसी का हमारा विरोध था। अदनान अंसारी, जिला उपाध्यक्ष, एनएसयूआई। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।